नमस्कार दोस्तों, खरौंदी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र के न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक और कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हुई। इस दौरान मंदिर निर्माण के कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। रामनवमी तक यात्री सुविधाएं विकसित करने के जो भी काम बचे हैं उन्हें पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। शेष काम रामनवमी तक होगा पूरा। श्री राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि परिसर की सभी सड़कों का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा उपकरण लगाने के काम, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का शेष काम रामनवमी से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिसर की साफ सफाई के लिए एक कंपनी को ठेका दिया गया है। कंपनी के 50 कर्मचारी रोजाना सफाई करते हैं। बैठक में इस बात पर जोर रहा है कि निर्माण कार्यों के बीच किस तरह का निर्बाध दर्शन चलता रहे, इसको लेकर कार्य योजना तय की गई। 795 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के परकोटे का निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। मंदिर में 795 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में सप्त मंडपम भी बनाए जाने हैं। सप्त मंडल में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषादराज, माता सबरी व माता अहिल्या के मंदिर बनाए जाएंगे। बैठक में सप्त मंडल का भी काम शीघ्र शुरू करने पर चर्चा हुई है। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय, मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा समेत कार्यदायी संस्था के इंजीनियर मौजूद रहे। शीघ्र शुरू होगा राम दरबार का काम। ANI के अनुसार राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर भगवान राम के दरबार का काम तुरंत शुरू हो जाएगा, जो दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा।